भाइयों, अगर किसी को जिमनी लेने का शौक है, ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए अच्छे टायर, मतलब चौड़े चौड़े टायर, दोनों ही सेम चीज देखने को मिल जाती है, फिजिकल की होने वाली है। जो भी वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब करके नहीं जा रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल SSD मोटर्स पर। और आज आपके सामने आ गई है एक और बहुत ही जबरदस्त सी गाड़ी, जो कि होने वाली है मारुति सुजुकी जिमनी। भाई कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुई थी, कुछ ही महीने पहले, लेकिन गाड़ी ने अच्छा खासा दबदबा बनाया, मतलब अच्छी खासी बिक रही है, सेल आउट हो रही है। उसके साथ साथ भाई अगर बात करता हूँ इस सामने जो पर्टिकुलर वेरिएंट है जिमनी का, जेटा मैनुअल ट्रांसमिशन आपके सामने है, मतलब जो ये दो ही वेरिएंट आते हैं, एक अल्फा और एक जेटा, उसी में आपको अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं, ऑटोमेटिक और सारे फीचर उसमें अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके सामने जो है भाई जेटा मैनुअल ट्रांसमिशन होने वाला है। भाइयों, अगर किसी को जिमनी लेने का शौक है और वो चाहता है कि मैं एक जिमनी गाड़ी लूँ, तो लेकिन उसका बजट इतना नहीं है जितना टॉप एंड वेरिएंट का है, उसकी कीमत तो अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है भाई, इसमें आप अपने सारे शौक भी पूरे कर लोगे और आपकी जेब को भारी भी नहीं पड़ने वाली है ये वाला वेरिएंट। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो फ्रंट में सबसे पहले देखो वही लुक आपको देखने को मिल जाता है जो आपको मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में, सारी चीज़ें एक जैसी देखने को मिलती हैं, लेकिन जो हाईलाइट वाली चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता चलूंगा कि क्या आपको नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हेडलैम्प यूनिट की बात करते हैं, तो सराउंडिंग में आपको देखने को मिल जाती है, जो ऊपर अल्फा वेरिएंट है उसमें आपको LED देखने को मिल जाते हैं, इसमें हेलोजन रिफ्लेक्टेड बेस यूनिट देखने को मिल जाती है, पायलट लैम्प देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिल जाता है। ये पूरा पोर्शन ग्रिल का जो होने वाला है थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर के साथ। उसके साथ साथ 5 बैरल आपको छोटे छोटे क्रोम के काम देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रिल होने वाली है जो कि भाई लिटरली सूट करती है इस गाड़ी पर। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ग्रिल की, तो आपको नीचे एक और रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि ये भी पूरी मैट फिनिश के साथ होने वाली है। वहीं अगर बात करते हैं तो फॉग लैंप इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलने वाले हैं, एसेसरी आप लगवा सकते हो अगर आपका मन है तो। उसके साथ साथ नीचे आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह देखने को मिल जाती है। और बात करता हूँ इसके विड्थ की, तो आपको मिल जाती है 1645 1645 mm आपको इसकी विड्थ मिल जाएगी। वहीं अगर हाइट की बात करता हूँ तो मिल जाती है 1720 mm की। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात होती है भाई ऑफ रोडिंग के लिए, वो मिलती है आपको ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है 210 mm का। ओवरऑल इस तरीके से हो जाती है अपनी फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड प्रोफाइल में देखो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिख रही होंगी। अब मैं बात करता हूँ ऑफ रोड के लिए भाई सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। भाई ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए अच्छे टायर, मतलब चौड़े चौड़े टायर, वो आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इसके ORVM की, तो आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से मैट फिनिश के साथ। बॉडी कलर तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जरूर है, फोल्ड आपको मैनुअली करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। फैन ट्रिप आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, चौड़ी चौड़ी आपको क्लाइडिंग देखने को मिल जाती है जैसे आपको थार में देखने को मिलती है, मतलब थार और जिमनी का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन भाइयों जो थार के चाहने वाले हैं वो कभी जिमनी के पास नहीं आएंगे, और जो जिमनी को चाहने वाले हैं वो कभी थार के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि जिमनी के पास कुछ एडवांटेज हैं वो भी बताता चलूंगा मैं, क्योंकि इसमें एक तो 5 डोर आपको देखने को मिल जाते हैं, बूट स्पेस अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है, और इंजन की रिलायबिलिटी जो है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, क्योंकि मारुति के इंजन को आप जानते ही हो कि कितने अच्छे इंजन आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं टायर प्रोफाइल की, तो आपको मिल जाता है भाई कहाँ गया, ब्रिजस्टोन की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है, सेक्शन होने वाला है 195 ATR 15। 15 इंच का आपको स्टील रिम देखने को मिल जाता है, व्हील कैप की जरूरत भी नहीं है, इतने खूबसूरत बना रखे हैं। फ्रंट में डिस्क और रियर की बात करना है, तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ TPMS भी आपको देखने को मिल जाता है इन टायर्स में ओवरऑल। उसके साथ साथ आ जाते हैं इधर, तो डोर हैंडल आपको मैट फिनिश के साथ देखने को मिल जाते हैं, और कुछ इस तरह का विंडो आपको देखने को मिल जाता है, बहुत चौड़ा सा विंडो एरिया, मतलब चौड़ लंबी जो है ना गाड़ी लगती है, लगता नहीं है कि ये सब 4 मीटर है भाई, लगता है ऐसा है जैसे वो आती है ना अपनी फोर्स की, कुछ इस तरह की गाड़ी लगती है लंबी लंबी मतलब। उसके साथ साथ अब मैं बात करता हूँ इधर की, तो आपको देखने को मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप, टैंक कैपेसिटी होने वाली है मोटा मोटा 40 लीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर मिल जाता है आपको इसका पावर एंटीना, यहाँ पे कुछ इस तरीके आपके लिए मिल जाती है रियर विंडो, क्योंकि भाई मतलब विंडो एरिया काफी वाइड आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके लेंथ की, तो लेंथ आपको देखने को मिल जाती है 3985 3985 3985 mm। वहीं अगर व्हील बेस की बात करते हैं तो मिल जाता है 2590 mm का। ओवरऑल व्हील बेस भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है जो कि थार से ज्यादा होने वाला है। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो रियर में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। भाई थोड़ा सा स्पेस कम है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना इसमें तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर, डिफॉगर, वाइपर, सारी चीजें। नेक्स्ट है कि बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ऑल ग्रिप की बैजिंग देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इसके टेल लैंप की, तो आपको मिल जाते हैं हैलोजन सेटअप के साथ स्टॉप लैंप, इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लैंप, तीनों ही चीजें आपको बंपर में देखने को मिल जाती है, जो कि ऊपर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला है ओवरऑल। अब बात करते हैं रिवर्स पार्किंग पॉइंट की, तो 1 2 3 4 4 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। स्पेयर व्हील की अगर बात करते हैं तो सेम सेक्शन के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। एक बार देख लेते हैं कहाँ गया भाई,
हाँ सेम सेक्शन के साथ होने वाला है ओवरऑल। अब बात करते हैं इसके यहाँ की, तो आपको जिमनी की बैजिंग देखने को मिल जाती है, डोर हैंडल जो होने वाले हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। जो एडवांटेज आपको जिमनी में देखने को मिलते हैं वो भी बताता चलूंगा, उसके साथ साथ इस तरीके से हो जाती है अपनी पूरी एक्सटीरियर से कंप्लीट। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंटीरियर पे जाने से पहले अगर मैं कीमत बताऊं तो आपको मिल जाती है 12,74,000 रुपये एक्स शोरूम। ऑन रोड की अगर बात करते हैं तो देहरादून में मिलने वाली है ये गाड़ी आपको 14,77,000 रुपये की, मतलब 15 लाख रुपये से कम कम में आप जिमनी का पूरा मजा ले सकते हो ऑफ रोडिंग वाला। उसके साथ साथ अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। इंटीरियर के लिए सबसे पहले चाहिए होगी चाबी, तो चाबी कैसी देखने को मिलने वाली है, पहले देखो ये कुछ इस तरीके से चाबी आपको देखने को मिलने वाली, दोनों ही सेम चीज देखने को मिल जाती है, फिजिकल कीज होने वाली है, लॉक अनलॉक का बटन आपको देखने को मिल जाता है। और लगा देते हैं इसको यहीं पर रख देते हैं। अब बात करते हैं डोर ट्रिम की, तो आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से पूरी ब्लैक डोर ट्रिम, जो कि यहाँ पे आपको डोर लीवर, ग्रैब हैंडल, मैप पॉकेट और स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है, जो कि भाई 1, 2, 3, 4 स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। बात करते हैं सीट्स की, तो इसको यार लगा ही देता हूँ एक बार, वरना यार ये टी टी करना स्टार्ट कर देती है ना गाड़ी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं फैब्रिक सीट, और जो कि होने वाला है अंडर टाई सपोर्ट 1-2 अच्छा खासा होने वाला है भाई, फैब्रिक होने वाली है। रिक्न एंगल करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बूस्टर्स वगैरह, एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर कुछ है क्या भाई एक्स्ट्रा, नहीं यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लगा हुआ है ऐसी कवर। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, एक बार गाड़ी को ना स्टार्ट कर लेते हैं फिर बताऊंगा इसके इंटीरियर के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो भाइयों ये लो गाड़ी कर दी मैंने स्टार्ट, क्या बात है यार, वाह मतलब पता ही नहीं चल रहा यार, थोड़ा फैन तेज करते हैं और एसी चलाते हैं यार। चलो कितना ऑफ रोडिंग के हिसाब से गाड़ी को बना रखा है, मतलब मस्त लग रही है अंदर से भी इंटीरियर में भी। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्टेयरिंग की, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है पूरा सराउंड होने वाला है, टिकट नहीं है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम, टेलीफोनिक कंट्रोल, हेडलैम्प के कंट्रोल मैनुअली होने वाले हैं, वाइपर के कंट्रोल भी मैनुअली होने वाले हैं। एडजस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो मिल जाती है भाई, टिल्ट तो होने ही वाली है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं होने वाली है ओवरऑल। अब बात करते हैं क्लस्टर की, तो कुछ इस तरीके से क्लस्टर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही डायल्स, जो कि टैकोमीटर आपको एनालॉग और स्पीडोमीटर भी आपको एनालॉग, मतलब फ्रंट से जब देख रहे हैं ना तो अट्रैक्टिव सी लग रही है। बीच में एक छोटी सी MID देखने को मिल जाती है, सारे इंडिकेटर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इग्निशन जो है ऑन नहीं है, क्योंकि भाई शायद कुछ इशू होगा गाड़ी के अंदर या शोरूम वालों ने कुछ कर रखा होगा, तो इग्निशन इसका ऑन नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ की, तो ऐसे इवेंट्स आपको कुछ इस तरीके से सराउंडिंग में देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ नीचे की अगर बात करते हैं एक बार, यहाँ पे मिल जाता है आपको ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए, हेडलैम्प लेवलर, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, नीचे ABC पैडल देखने वाला है। यहाँ पर पूरा ग्लॉसी ब्लैक का काम आपको देखने को मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम के अंदर। बेजल्स जो होने वाले हैं पूरे ग्लॉसी होने वाले हैं। 8 इंच का आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि स्मार्ट होने वाला है भाई। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ नीचे की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से टिकटॉक आपको देखने को मिल जाता है। मैनुअली क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। नीचे अगर बात करते हैं पावर विंडो सीट, जो कि ऑटो होने वाला है। यहाँ फील्ड डिस्टेंस कंट्रोल, ESP ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको सेकंड विंडो का आपको पावर मिल जाती है। उसके साथ साथ 12 वोल्ट का सॉफ्ट USB सोर्स इन के लिए, कुछ इस तरीके का स्पेस। गियर नॉब की अगर बात करते हैं तो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स कन्वेंशनल होने वाला है भाई। इसको देखो हिल रही है ना, ध्यान से देखना हिल रही है भाई, मतलब यही तो ऑफ रोडिंग का मजा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ट्रांसमिशन चेंज करने के लिए, जो कि हमारा होने वाला है 2 हाई 4 हाई और 4 लो, मतलब अगर कहीं फंसी हुई है गाड़ी तो 4 लो में लगाओ तो आराम के साथ अच्छा टॉर्क आपको मिल जाता है 4 लो में। हैंड ब्रेक मैट फिनिश के साथ मिल जाता है। रियर विंडो के जो पावर स्विच होने वाले हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये आपको देखने को मिल जाता है विंडो लॉकर। उसके साथ साथ 2 बॉटल होल्डर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करते हैं तो सेम आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी इसमें आपको कूलिंग वगैरह नहीं मिलती है कुछ इस तरह का यहाँ पे। अब बात करते हैं एयरबैग की, तो टोटल आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, 2 फ्रंट 2 सीट और 2 साइड का ट्रेनिंग बैग। यहाँ पर अगर मिलते हैं आपको वैनिटी मिरर, यहाँ पे माइक देखने को मिल जाएगा, कैमिल लैम्प हेलोजन होने वाला है, वैनिटी मिरर डे नाइट होने वाला है, मैनुअली होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, ये एक अच्छी चीज़ है यार, क्या बात है। और ये भी चीज़ मुझे बहुत गजब लगती है, 4x4 को आप 3 मोड में चला सकते हो, 2 हाई 4 हाई और 4 लो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं अपने फ्रंट डैशबोर्ड में गाड़ी को करते हैं बंद। अब चलते हैं इसके रियर की तरफ, तो रियर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पीछे की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखो भाइयों रियर डोर, मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज जो है इसमें 4 डोर्स का है, जो कि थार में आपको नहीं मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इस तरह ग्रैब हैंडल, स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, ये आप पावर विंडो का स्विच, डोर लीवर आपको देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस तरह से डोर ट्रिम होने वाली है। डिसेंट सी आपको देखने को मिल जाती है, फैब्रिक की आपको रियर सीटिंग देखने को मिल जाती है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो 1-2 भाई अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट होने वाला है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और 50-50 स्प्लिट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि अगर मैं करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ भाई, क्या बात है ओवरऑल। अब बैठते हैं अंदर, तो अंदर देखते हैं कितना स्पेस हमको देखने को मिल जाता है। तो भाई ये सीट जो है मैंने पीछे कर रखी है पूरी,
5'8" मेरी हाइट है। अब मैं बात करता हूँ इसमें कंफर्टेबल की, तो भाई कुछ इस तरीके से आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि अभी ये सीट जो है ना बहुत पीछे है यार, डैशबोर्ड भी देख लो एक बार, बहुत पीछे है। अभी जब जाएगी ना आगे तो भाई मेरे को कंफर्टेबल पूरे पूरा मिलने वाला है। अब बात करता हूँ मैं इसमें हेडरूम की, तो हेडरूम देखो भाइयों कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। भाई अब वीडियो यहाँ तक देख लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है यार, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं। जो भी वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब करके नहीं जा रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार भाई, थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा मैं, इतनी धूप में इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ भाई, आपका भी फर्ज बनता है ना। तो भाई आ जाते हैं फिर से गाड़ी पे, अब बात करते हैं इसके स्पेस का। तो मैंने बता दिया अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, हेडरूम भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मिलने वाला है यहाँ पे। हाँ ये हम्प जो है ना आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। भाई सीटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, जैसा थार में आपको मिलता है तो वैसा आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसमें जो साइड में है ना यार बहुत चौड़े चौड़े से आपको देखने को मिल जाते हैं, जो उसके टायर्स के लिए स्पेस बनाया हुआ है ना रियर सीटिंग के नीचे, तो वो आपको ऊपर से देखने को मिल जाता है, जो कि भाई स्पेस को कम कर देता है कैबिन के। उसके साथ साथ सेकेंडरी कैबिन लैंप हैलोजन होने वाला है, और क्या चीजें रह गई भाई, सारी चीजें हो गई ना। सीटिंग का अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से 3 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं गाड़ी के रियर सीटिंग में ओवरऑल। अब चलते हैं इसके बूट की तरफ, तो बूट में जो जो स्पेशल चीजें होने वाली हैं, सबसे पहले अब मैं बात करता हूं इसके बूट के में, तो बूट में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है भाई ये, मैं अगर सिर्फ बटन दबाऊंगा तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा, मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक टेलगेट ओपनर रिंग देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके से बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। स्पेयर व्हील की अगर बात करते हैं तो भाइयों यहाँ नहीं है, नीचे आपको देखने को मिल जाता है। लगेज लैंप आपको देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का एक सॉकेट, जो कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, होना भी चाहिए, क्योंकि भाई इस गाड़ी में भाई कहीं अगर पार्टी वार्टी कर रहे हैं तो भाई उसके लिए 12 वोल्ट के अगर सॉकेट की जरूरत पड़ गई तो वो आपको अंदर से नहीं बाहर से ही मिल जाएगा। ओवरऑल ये चीज़ें होगी बूट के अंदर के बारे में। अब बात करते हैं इसके बूट के कैपेसिटी की, तो 208 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ये तो होगी इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में बात। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, तो इंजन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले बोनट ओपन करने के लिए ये दिए गए लीवर। अब चलते हैं इसके बोनेट की तरफ, तो बोनेट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने में मिलने वाली हैं उसी के बारे में फटाफट बात करते हैं और वीडियो करते हैं एंड। यार काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो भाइयों ये कुछ इस तरीके से बोनेट देखने को मिल जाता है। डैम्पिंग तो नहीं होने वाली है, लेकिन भाई ऑफ रोड गाड़ी है तो जब तक आवाज़ थोड़ी सी अंदर ना आए तो कैसे मज़ा आएगा। ओवरऑल कोई कोई लग्जरी गाड़ी तो है नहीं भाई जो इसके अंदर आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ आएगी ना तो तभी तो फील ऐसा आएगी गाड़ी की, हाँ भाई बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ कुछ इस तरह का माहौल होने वाला है पूरे इंजन के साथ। यहाँ पे ABS यूनिट, अब सेफ्टी को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, सारे ही फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि एक ऑफ रोडिंग गाड़ी में होने चाहिए। एक बार मैं इसका ये हुक लगा लेता हूँ, फिर आपको आराम से बताऊंगा क्या क्या आपको पावर देखने को मिलने वाली है गाड़ी के अंदर। तो आपको मिल जाता है 1462cc का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि K15B सीरीज का होने वाला है, मतलब इसमें K15B, K15C, K15A का काफ़ी सारी सीरीज आपको देखने को मिल जाती हैं, 1462cc होने वाला है। उसके साथ साथ पावर की अगर बात करता हूँ तो आपको मिल जाती है 103 BHP की पावर और 134 Nm का टॉर्क देखने को मिलने वाला है। बात करता हूँ माइलेज की, तो आपको मोटा मोटा मिल जाता है 16.5 KM का, जो कि कंपनी क्लेम करती है। तो भाइयों ये तो होगी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो भाइयों इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन चारों तरफ से हमने कवर कर ली है गाड़ी। कीमत दोबारा बताऊँ तो 12,77,000 रुपये एक शोरूम, ऑन रोड की बात करते हैं तो 14,74,000 रुपये, मतलब 15 लाख रुपये से कम कम में ये गाड़ी आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें आप सारे शौक भी पूरे कर लोगे, आपकी जेब को भी भारी नहीं पड़ेगी। ऑफ रोड गाड़ी क्यों भाई हर किसी के बस में नहीं होती कि 15 लाख रुपए से ऊपर की कोई गाड़ी ले, लेकिन इसमें आप पूरे शौक पूरे कर सकते हो। जेटा मैनुअल ट्रांसमिशन आपके सामने था। तो वीडियो होगी ये कंप्लीट, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।